मिर्च है, जीरा, अदरक, हरी मिर्च है, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी काली मिर्च और स्टिक, ये लिए दालचीनी और जीरा, तेज़पात, ठीक, और हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। प्याज को अच्छी तरह मैंने पहले ब्राउन कर लूँगी, फिर उसके बाद कीमा डाल के कीमे की सारी हीक निकालूँगी, उसको ब्राउन करूँगी। और बहुत मज़ेदार बनता है, और सब खड़ा मसाला होता है, और ये थोड़ी सी दही है, 2 स्पून दही भी डलेगी। छोटे 2 टमाटर लिए साइज़ के, और प्याज भी छोटी 2 लिए। ये हल्दी है और पिसा हुआ धनिया, और ये हरी मिर्ची है, और थोड़ा सा खड़े मसाले के हिसाब से प्याज मैंने थोड़ी सी इधर रखी है जो मैं लास्ट में। अब देखिए, मैं कीमा दाल में सब स्पाइस डाल के पहले प्याज ब्राउन किए, फिर कीमा डाला, फिर सब स्पाइस डाल के उसको भून लूँगी अच्छी तरह, फिर इसको फिर दम पे रख दूँगी। बहुत अच्छी तरह भुनना है इसको, ताकि इसकी सब हीक निकल जाए। और इसके साथ खड़ा मसाला है, तो इसके साथ मैं कुछ साबी चीज़ें भी डालूंगी, बस आपको भी मैं दिखाती हूँ। ग्रीन चीज़ें वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ गर्म मसाले का। पहले इसको हम भून लेते हैं, ये देखिए मसाला डाल दिया सब, नमक भी होगी, हल्दी, पिसा हुआ धनिया है, और बाकी खड़ा मसाला डाल के भून लूँगी। टमाटर इसको भूनने के बाद फिर टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह भून के, ये देखिए इसका पानी निकल रहा है ना, ये सब पानी को मसाले में यकजा करके पूरा अच्छी तरह फिर मिक्स करूँगी, फिर भूनूँगी अच्छी तरह। भुनने के बाद पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं टमाटर डालूँगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, एक कतरा पानी नहीं डालना है, चाहे बीफ का हो चाहे मटन का हो, इसमें कि पानी नहीं डलता, ये मसाले में ही जज्ब होके बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है खड़े मसाले का कीमा। अभी तो स्पेशल ईद के लिए समझ लें, स्पेशल डिश है आपके लिए, आप झटपट बनाने वाली होती है, मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तो घर में ये बना लेते हैं इंसान, बहुत मज़ेदार होता है, मुख्तलिफ जायका होते हैं इसका। अब ये मैं टमाटर मसाला, उसका पानी ड्राई हो गया, मैं टमाटर और ये थोड़ी सी खड़ी प्याज, बिल्कुल 2-3 पीस मैंने बचाया था सिर्फ, क्योंकि वो पिछले वाले पहले जो डाला था वो सारा मैं भून चुकी हूँ। अब ये थोड़ा खड़ा खड़ा रखूँगी टमाटर के साथ, इसको भून लूँगी, 2-1 हरी मिर्च डालिए, इसको अच्छी तरह भून लेना। इसको पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा टमाटर का भी, देखिए ये मैंने खड़े मसाला जो आपको मैंने बताया था, तो वो उसके लिए मैंने आलू लिए, ये मैंने थोड़ा सा पहले बटर थोड़ा सा रखूँगी एक पैन में, फिर ये प्याज लिए छिलके वाली ओनियन के साथ, क्वार्टर क्वार्टर कटिंग कर लिए, 2 पीस ले लिए, क्योंकि जब हम इसको स्टीम पे बनाएंगे तो प्याज चिपक जाती है, इसलिए मैंने इसको छिलकी के साथ रखा है, ताकि प्याज चिपके नहीं, छिलके के ऊपर ही रहे। ये आलू है जिसको 50% मैंने बॉईल कर लिया था, 50% इस पे रखूँगी स्टीम के लिए। ये टमाटर है, ये टमाटर, मिर्च है, ये सब बहुत मज़ेदार होता है जब हम इसके साथ खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें आप हरी मिर्चें भी रख सकते थे, लेकिन मैं ये हरी मिर्चें कीमे में ऐड करती हूँ, तो फिर मैं इसमें नहीं डाला। हर डिश में कोई नया सा लुक आता है, कोई नया जायका आता है, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ, ये मिर्च बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए टमाटर का पानी जज्ब हो गया, भून गया, अब मैं दही ऐड कर दूँगी इसमें। दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, सारा पानी जो है ना, ज़रा एक कतरा पानी नहीं डालना, सब दम पे ही, आप इसमें मसाले एक दूसरे के पानी में ही जज्ब होते रहेंगे, और ये जायका आता रहेगा। भून लेना अच्छी तरह, ताकि पूरा मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए चिकन के अंदर, दही भी और सा मसाला अच्छी तरह। देखिए ऑयल ऊपर आने लगता है, तो समझ लें आपकी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं। इसको भून लेंगे अच्छी तरह, दही डाल के भी भूनना है। अभी
भी देखिए दही का पानी है, दही ने भी पानी छोड़ा है, तो ये पानी में जब करेंगे तो खटास वाला अच्छा जायका आता है। बीफ का तो बहुत ही मज़ा आता है ये बनाने में, और हल्की सी कोयले की धुनी दे दें आप तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा जायका आता है। बकरीद की धुनों में तो हम यही करते हैं, हर चीज़ दम पे बनाते हैं और साथ में कोयले की धुनी दे देते हैं हल्की सी। देखिए वो उधर हमने दम पे रख दिया, इधर ये भी रेडी हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम हरी मिर्चें और साबुत मिर्च डाल के इसको कवर कर डालेंगे, खुशबू आ जाती है हरी मिर्चों की ना इसके अंदर। साबुत मिर्च खड़े मसाले का है तो मैं आपको इसके साथ खड़ा मसाला भी दिखा सकती हूँ, मैं भी सर्व करूँगी तो आप देखिए। हसबे जायका आपने नमक डालना है, हसबे जायका जो है ना आपने मसाला डालना है। कोई तेज़ स्पाइस मसाला खाते हैं, कोई कम, तो हल्के मसाला, बस जो भी चीज़ें ऐड होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें ये चीज़ें देंगे तो बहुत जायका अच्छा है खाना, तो ये सब अच्छे से अच्छा बनाते हैं, हर घर में बनता है, लेकिन हाँ हमारा दिल करते हैं एक जैसा खा के जायका चेंज करें। उसके लिए हम रेसिपी देखते हैं और अपने बड़ों की याद करते हैं कि वो हमारी कौन सी अच्छी चीज़ बनाते थे, हम फिर अपने हाथ से वो बनाते हैं तो एक थोड़ा नया जायका मिलता है। अब ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है, ये खड़ा मसाला एक तरफ सारा रख दिया है,